नमस्ते, सलाम, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? जय राम जी की। उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे 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 रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाहर आ गई, बहुत देर नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि धूप आ गई, 6 बज रहे और बीच में अभी कल ही बहन से बात हुई, अचानक से कह रही थी आप बहुत अच्छे से सोती, मैंने कहा बहुत अच्छे से सोती हूँ, आज कल तो 10 पे नींद आ रही है, सुबह 4 पे खुल जा रही है, लेकिन आज बीच में खुल गई थी, 3 पे खुल गई थी, फिर जब सोए हों 3-4 पे, बेटा जगता रहता है उसी के साथ में, वो खड़बड़ करता रहता है इधर से उधर, हालांकि बहुत नहीं करता है, बस हाँ स्विच ऑन ऑफ करता है ना, उससे अभी मेरी आँख खुल जाती है। तो 6 पे उठ के बच्चों को जाना भी नहीं था, जब तक वो उठेंगे 8 तक, तब तक मेरे सारे काम फिनिश हो जाएंगे। मैं चलती हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट में मिलती हूँ। आप आराम से रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बात ना, जैसे सुबह सुबह उठिए तो जब हमने देखा ये पशु पक्षी कितना उछलते हैं, शोर मचाते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, और जब मैं अपने मायके में थी तो वहाँ एक डॉगी पला हुआ था, वो रन करके आता था, जैसे मेरी दादी दरवाजा डोर खोलती थी और मेरे पैर में चाटने लगता था और कूद कूदे, उसका मन हो मेरे पैर में ऐसे ऐसे करे, खेले चल के, हाथ मुंह में रख ले, बाहर को खींचे, और जब बाहर जाऊँ तो दौड़ दौड़ के आए। मतलब हमेशा उसका रोज़ का नियम था, जैसे सुबह बाहर निकलती थी तब दौड़ दौड़ के आए, पैर में लिपटे। ऐसे पशु पक्षी खूब शोर मचाते हैं, ऐसे इंसानों में एनर्जी रहती है सुबह उठ के, सुबह जितने काम हो जाते हैं फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन होने लगती है, फिर उधर शाम को भी रहती है एनर्जी, चाय से शुरुआत होती है, सुबह भी चाय से शुरुआत होती है शाम को, जबकि नुकसानदेह है, चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक लत पड़ गई है। अब के जो बच्चे हैं चाय नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, ना पिए तो बहुत अच्छा है। मेरे बच्चा एक नहीं पीता, एक पी लेता है, उसका कोई ज़रूरी नहीं, दोनों नहीं पी रहे हैं इस समय गर्मी में, ठंडा। जब कॉलेज जाएगा तो भले नाश्ता के साथ दे दो बड़े वाले को, घर में रह के ना शाम को लेगा ना सुबह। मैं एक कप बनाती हूँ अपने लिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जब हमेशा का है तो पीना ही है, पीना तो पड़ेगा ही। मेरा ब्रश चेहरा साफ लग रहा है, अभी वॉश करा है साबुन से। कल मैं अर्चना ने बताया, बुआ भी आप तुमको देखती है, मेरी बड़ी बुआ, मेरी वैसे तो 4 बुआ थी, अभी हैं, हाँ तो ये बड़ी बुआ है, एक कानपुर में है और 2 यहाँ लखनऊ में है, और एक दो नहीं 3 लखनऊ में है और एक कानपुर में है। तो सारी बुआओं को नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? इन्नो बुआ कैसी हो आप हमको देखते हो, हमको पता चला, कैसे हो आप? जल्दी अच्छे हो जाइए। बाकी 2 बुआ को तो मैं ले आई थी, आप रह गई, आपकी तबीयत ख़राब थी, जल्दी से अच्छे हो जाइए, चलने लगे, खूब खाइए पिए, मस्त रहिए, लेटे लेटे हमें पता चला तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बुआ लोग मुझे देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ मीनू बुआ आपको भूले नहीं है, आप भी तो, सुशीला बुआ भी तो, हाँ सब लोग, सब मेरी बुआ हो। मेरा परिवार में बड़ा था, हाँ ये मेरी बुआ पापा की बहनें, कज़न बहनें हैं सब, एक फुफेरी हैं। मीनू बुआ कैसी हो, आपको भूले नहीं है? मीनू बुआ, सुशीला बुआ, सब 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 याद है मुझे, सब विभो बुआ, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। बीना बुआ तो राजस्थान में बैठी हैं, हाँ 3 नहीं मेरी 5 बुआ मेरी लखनऊ में है, एक कानपुर में है, एक दिल्ली में है, एक राजस्थान में है, तो एक नहीं रही, अफसोस है उनके लिए, बहुत दुख है। मैं तब शूट नहीं करती थी, बनाती नहीं थी, पिक खींची थी तो वो खो गई, हमेशा रहेगा अफसोस। लेकिन बुआ लोग मेरी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार दिया बुआ लोगों ने, बहुत लाड दिया, जब भी मिलते हैं इतना प्यार अब तो खोता जा रहा है, हाँ चिल्ला के दौड़ के गले मिलना वो आदत पड़ी हुई है सबकी।
जितने भी हैं हम सब लोकल फैमिलीज हैं, सारे मामा बुआज ऐसे पापा की बुआज सब लखनऊ में, और जॉब के तहत जैसे कोई भोपाल नहीं कोई और कहीं रही वो अलग रहा है। बाकी आज तो मेरा फैमिली वीडियो हो गई, मेरी फैमिली वाकई में बड़ा है, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, सब बहुत अच्छे हैं, जिसके बारे में बात करिए करिए। अब सबसे धीरे धीरे मिलाऊंगी तो बताऊंगी, ऐसे आपको पता ही नहीं होगा, जानते नहीं हैं, तो ठीक है मिलाते रहूंगी। अब फ्रेंड्स लोग आ गई, आप लोग देख लिया, अगर कुछ बातें करेंगे भी तो आपको पता होगा। कॉलोनी भी बहुत अच्छी, कॉलोनी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने मायके में नहीं हूँ। जब यहाँ रहती हूँ तो मुझे लगता मायके में हूँ, वैसे ही प्यार, वैसे ही सम, वैसे ही हर चीज़। आए तो धीरे धीरे घर एकदम कम बने थे, फिर लोग रहते थे तो छोटे छोटे बच्चे थे तो लोग अपने ही में ज़्यादा रहते थे। अब जब एक हो गई है तो सब खूब घुल मिल के रहते हैं और चाहते भी हैं कोई आए कोई मिले, लेकिन फुर्सत अब भी नहीं है। लेकिन कॉलोनी मेरी बहुत अच्छी, जब भी मेरे हस्बैंड बैठेंगे मैं अपनी कॉलोनी की तारीफ़ किए बगैर नहीं। हाँ, बहुत अच्छी कॉलोनी, बहुत अच्छे कॉलोनी के लोग, चाहे जिस जगह पे है जैसी है जैसे भी हम लोग हैं, बहुत घुल मिल के प्यार से रहते हैं। हले फंक्शन पार्टी में मिले लेकिन वैसा ही जैसे मायके में हल्ला शोर करके सब लोग मिलते थे बकबक, वैसे यहाँ भी वही होता है बकबक, वैसे ही मिलना दौड़ना सब। तो मुझे लगता है कि मैं जैसे मायके में हूँ जब इन लोग से मिलूँ। कमाल ये है कि मेरी सासू माँ का भी मायके के, अभी मैं घर में जो पड़ोस में बना है वो मम्मी के भतीजे का है, और पीछे रह रहे वो भतीजे रह रहे हैं, तो मम्मी तो रहती नहीं है, तो भाभियों से घुलना मिलना, तो भाभी से घुले मिले तो उनकी जो फ्रेंड्स थी वो मेरे क्लोज आ गई, और जो मेरे से भाभी गुली मिली तो जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके क्लोज आ गए। ऐसे धीरे धीरे शने शने बढ़ता रहता है। अब यहाँ जब भाभी आती तो और भी होता लगा होगा, लेकिन वो अप डाउन करती रहती हैं तो परमानेंटली रहती नहीं है। तो अच्छा, ये क्षेत्र ससुराल का पड़ता है और मेरा भी मायके का क्षेत्र, क्योंकि मैं इधर अब थोड़े कदम बढ़ के मेरा कॉलेज था, मैं रोज ही पढ़ती थी, अब डॉक्टर जो दिखानी होती थी उधर आते थे, तो फिर मुझे तो वैसे ही मायके जैसा फील आता है। मम्मी का भी मायका के लोग रहते हैं। अच्छा, ससुराल वाले हैं तो कॉलोनी में कोई नहीं है, हैं दूर दराज पे, हैं पूरे क्षेत्र भर में, लेकिन वो कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, वो मुझे क्या जाने, मैं उनको क्या जानूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिंदास ऐसे ही रहती हूँ। कह लो तो मेरा ननिहाल है, मेरा मम्मी सासू माँ की तरफ से मेरा ननिहाल हुआ, मेरी तरफ से मेरा मायका हुआ, तो ये मिक्सचर है। तो यहाँ मुझे ससुराल वाली फील नहीं आती है, ये घर जैसी फील आती है बस, वो ससुराल वो मायका ये घर। थोड़ा काम कर लूँ, किस किस की तारीफ़ करूँ, किस किस ने, जब आज तो फैमिली ब्लॉग हो गया तो मैं सोचती हूँ फैमिली का ही कर लूँ। जब मम्मी नहीं रही तो बहुत लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत वो करा, सबका मेरी लाइफ में अपना अपना स्थान है। चाची की फैमिली हो, चाहे वो मेरी बुआ रहती हैं उनकी फैमिली हो, चाहे और बुआस फैमिली, अच्छा फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं तो बुआ सुशीला बुआ है, जब देखती थी पापा जैसे पापा बाहर गए, सोमू भी कहीं गया, बुआ हुआ के घर जैसे रुक गया, तो ये लोग पता नहीं पता कैसे लगाए रहे, फ़ोन उनका तो था नहीं उस समय, लेकिन पता कैसे लगाए रहती थी कि किसी ना किसी को लेके वो अपनी बिटिया को लेके आ जाती थी, या फिर चाची छोड़ जाती थी अपनी बिटिया को, या कभी दोनों। मगरू ऋतु तो हमें लगता बराबर से रहती, तीनों रहती थी, बुआ की लड़की तीनों रहती थी बराबर से आ जाती थी, और बड़े अच्छे से बड़ा अच्छा। फिर धीरे धीरे समय के साथ तो सब होता रहता है, लेकिन वो जो है वो मेरे दिमाग में अब भी मेमोरी वैसे ही है, और वैसे ही मैं सबको प्यार करती हूँ, सम्मान करती हूँ, जब तक हूँ तब तक ऐसे ही करती रहूँगी, उतना ही उसी हिसाब से, और ज़्यादा ही हुआ है कम नहीं हुआ है, सबका सहयोग है। भाभी छोटी भाभी को छोड़ जाती थी सुबह, रात में वो चली जाती थी, वो दिन भर रहती थी तो आके वो सीधे किचन में ही शुरू हो जाती थी, फिर बातें करना वो करना, फिर उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता था, पत्ते पत्ते से हाथ से हम लोग को कुछ करने ना दें, हम लोग कहें नहीं भाभी करो ना, बहुत किया है उन्होंने भी। भाभियाँ तो वर्ड बेस्ट कह लो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुड इवनिंग, शाम का काम शुरू हो गया, थोड़े बर्तन थे, थोड़ा किचन साफ़ करा, दूध गर्म कर लूँ,
चाय भी पीने का इरादा है। देखो कर लूँ, मानस जी को जूस दे आई, लाना पड़ेगा, हम खाते नहीं हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? बारिश वारिश हुई? आज का दिन कैसे बीता? गर्मी है? नहीं, गर्मी तो बहुत है, उमस है जम के, और बारिश पता नहीं कहीं हुई होगी तो हुई होगी, इतना बड़ा इंडिया है। और चलते हैं भाई, चाय वाय पी लेते हैं, दूध गर्म कर लूँ, चाय पी लूँ, मन तो नहीं होता है लेकिन थोड़ी सी पी लूँ। और थोड़े बर्तन और थोड़ा किचन साफ हो गया, सब्जी वब्जी बना लूँ, रोटी सेक के रख लूँ। क्या टाइम हो रहा है? 6:12। सब्जी बना लूँ, 5 पे आती हूँ, चाय बनाती हूँ और वो, लेकिन उधर मैं थोड़ा सा करने लगी। अरे, मेरी साड़ी में फॉल ऑल भी लगाना रखा है, लगा लूँ, निकाल के रखती हूँ, फिर रख आती हूँ, फिर लगा लेती हूँ और काम फिनिश कर लूँ। और आप लोग से अभी बाय बाय बोलूँगी तो नेक्स्ट सेगमेंट में फिर मिलूँगी, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा और गुड नाइट।